మసత్ర మహారేబ శత్రు మోని రిబిత మనంద్రు మోనర మోని. హూ ఇస్ ద గర్ల్ మోని హియర్? మోని నామ కి కౌన్ లడ్కి హై? మోని, హూ ఇస్ మోని? कब से नहीं सुनती थी, बचपन से नहीं सुनती बोलती. She is deaf. Moni was deaf and mute from birth. First time she started hearing, started making sounds. Moni जो है बचपन से सुन नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी. पापा, मामा, पापा, मामा, ये, पापा, पापा, मामा, पापा, मामा. ताली बजा यार, पहली बार जिंदगी में लड़की सुननी लगी है. द बाइबल टॉक्स अबाउट अ मैन कॉल्ड अब्राहम. बाइबल बात करती है एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है अब्राहम. अब्राहम हैड अ सन कॉल्ड आइजक. और अब्राहम का एक बेटा था जिसका नाम था इजहाक. एंड आइजक्स वाइफ नेम वॉज रिबेका. और इजहाक की जो पत्नी थी उसका नाम था रिबेका. द बाइबल सेज दैट रिबेका बिकेम प्रेग्नेंट. बाइबल बताती है कि रिबेका ने गर्भ धारण किया. एंड शी स्टार्टेड फीलिंग सो डिस्टर्ब्ड इनसाइड हर वूम्ब. और ऐसा हुआ कि वो अपने गर्भ में इतनी इतनी तकलीफ को, यानी वो कुछ और महसूस कर रही थी. शी वेंट टू गॉड एंड सेड, गॉड व्हाई एम आई फेसिंग सो डिफिकल्टी इनसाइड आफ्टर आई बिकेम प्रेग्नेंट. वो परमेश्वर के पास गई और उसने परमेश्वर से कहा कि मेरे गर्भ धारण करने के बाद मेरे गर्भ में इतनी परेशानी मुझे क्यों हो रही है. मेनी ऑफ यू have conceived a vision from God inside of you. आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की ओर से एक अपने गर्भ में उस दर्शन को पाया. You want to do something for God. आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं. But right now you are going through such a situation, you find it so difficult inside, wondering what's happening, why am I suffering so much after I got the desire to do something for God. अभी आपकी ऐसी हालत है कि जब आपने परमेश्वर से दर्शन को पाया है उसके बाद आप परमेश्वर से कह रहे कि प्रभु तेरे दर्शन को पाने के बाद मैं क्यों इतनी तकलीफ और परेशानी से होकर जा रहे हैं. From the time I decided to do something for you, why I'm going through all this? जिस समय से मैंने तेरे लिए परमेश्वर कुछ करने का निर्णय लिया, क्यों मैं इतनी तकलीफ से होकर जा रहा हूं? So, you know, Rebecca went through that. और रिबेका भी ऐसी परेशानी से होकर गई. She went to her and said, क्या हो रहा है मेरे अंदर, why am I going through this? और वो रिबेका जो थी परमेश्वर के पास जाकर कहती कि प्रभु मेरे अंदर ये सब क्या हो रहा है. God said, परमेश्वर ने कहा, What you have inside is not two children. और परमेश्वर ने कहा कि देख तेरे गर्भ में जो है वो दो बच्चे नहीं हैं. You have two nations inside of you. तेरे अंदर दो देश हैं, राष्ट्र हैं. Man of God, woman of God, listen. परमेश्वर के प्यारे जनों सुनो. God puts nations inside of you. परमेश्वर आपकी आत्मा के गर्भ में राष्ट्र यानी देशों को डालता है. And something big God is going to do in your life. और आपके जीवन में परमेश्वर कुछ एक महान बड़ा काम करेगा. विश्वास करते हैं तो हालेलुया बोलो मेरे साथ. हालेलुया, हालेलुया. And two children were born. और ऐसा हुआ कि उसे दो संतान पैदा हुई. First son was born. पहला बेटा पैदा हुआ. She named him Esau. उसने उसका नाम एसाव रखा. As the first child came out, और जैसे ये पहला बच्चा गर्भ से बाहर आया, second child came holding the leg of Esau. और दूसरा जो बच्चा आया, वो पहला बच्चा जो एसाव था, उसके पैर को पकड़कर बाहर आया. Is the lady mother looked and said, the lady who was doing the delivery, mother and the mother looked and said. और वो जो औरत उसकी डिलीवरी करा रही थी, उसने और उस माँ ने देखा और कहा. They said. उन्होंने कहा. This fellow came holding the heel. कि ये जो दूसरा बच्चा आया है, ये पहले की एड़ी पकड़ के आया है. So we name him Jacob. तो हम इसका नाम जो है जेकब रखेंगे. Jacob means याकूब इसका मतलब है. The one who grabs what belong to others. और याकूब इसका मतलब है ये वो व्यक्ति जो कि दूसरे की चीज को अब पकड़ के थाम लेता है, छीन लेता. छीनने वाला, दूसरों का, जो दूसरों का है वो छीनने वाला है. ये दुनिया में ऐसा लोग है जो अपने पास है उससे वो लोग संतुष्ट नहीं होते, दूसरों को छीनने के लिए मन आता है उनको. अपने बीवी है, इतने
सुंदर है उससे खुशी नहीं होते, यूं दूसरे और को देखते इसे टीवी कैमरा जैसा यूं जाता ले और के पदकास अपने बीवी से कुछ नहीं दूसरों को देखते ऐसा. दीज पीपल ऑलवेज वॉन्ट व्हाट अदर्स हैव. और ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के पास जो है वो इनको चाहिए. विमेन ऑल्सो. और औरतें भी ऐसी होती हैं. तुम देखो कैसे मर्द हो, वो औरत का मर्द देखो कितना अच्छा है वो आदमी. अरे जो प्रभु ने तुमको दिया उससे खुशी होना सीखो. दूसरे के पास है उसके लिए क्यों पीछे भाग रहे हो? जेकब बट ओनली वन प्रॉब्लम. याकूब का खाली एक ही समस्या थी. He always wanted what others had. उसका वो दूसरों का जो है वो अपने लिए चाहता था. व्हाटएवर अदर सेड ही वांटेड. और जो कुछ दूसरे के पास है वो बस उसको चाहता था. कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो दूसरों के पास है वो चाहते हैं और अगर उनके उनके बस में नहीं है तो उसके लिए कुछ भी करते हैं. जब मैं बच्चा था हमारे मोहल्ले में टीवी आया. टीवी पहले बार टीवी आया हमारा घर में. टीवी आया दूरदर्शन. वो दूरदर्शन में कुछ भी दिखा सब लोग बैठ के देखते थे ऐसा. उसमें भैंस खाना के थे कुछ भी दिखा. पहले बार दूरदर्शन आया ना देखते थे हम लोग बड़ी. तो हमारा घर हमारे पूरे मोहल्ले में सबके घर में टीवी आने लगा. लेकिन मेरे मोहल्ले में एक आदमी था वो ड्राइवर था. उसके पास टीवी खरीदने के लिए पैसे नहीं था. तो सारे मोहल्ले में मालूम हो गया सब लोगों के पास टीवी है सिर्फ उनके घर में टीवी नहीं है. एक दिन सड़क उनके घर में वो टीवी पे उस दिन में एंटीना लगाना पड़ता था. कुछ याद है आप लोगों को एंटीना टीवी एंटीना लगाते थे हम लोग. एंटीना देख के मालूम होता था कि घर में टीवी है. हाँ या नहीं? हाँ. तो हमारा सबके घर के ऊपर एंटीना था. सिर्फ इसके घर के ऊपर एंटीना नहीं था. एक दिन हम लोग सुबह उठ के देखते इनके घर पे ऊपर एंटीना आ गया. अरे हम लोग खुश हो गए इनके घर में टीवी आ गया. सब लोग हम लोग देखने गए घर में टीवी. तुम्हारा घर में भी टीवी आया क्या? हाँ हम भी देखना चाहते. ओ नहीं. अरे एक बार देखिए. नहीं. अरे तू हमारे घर में टीवी देखा ना तुम्हारा क्यों नहीं आना? नहीं नहीं. हम लोग उसको बाजू में ढकल के अंदर दौड़ के गए घुस के गए. घर में टीवी नहीं है सिर्फ एंटीना खरीद कर डाला ऊपर. क्यों? सबके पास है मेरे पास भी होना चाहिए. Many people are like that. They want what others have. They will do anything for this. कई लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे के पास है बस वो उनको चाहिए और उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं. Jacob was like that. और ये जो Jacob था वो भी वैसे ही था. So the Bible says. Bible कहती है. Elder son was Esau, younger son was Jacob. और देखिए जो बड़ा बेटा था उसका नाम था Esau और छोटा जो था वो याकूब था. Father loved the elder son. Isaac loved elder son Esau. और जो पिता इसहाक था वो एसाव से बहुत प्यार करता था. एंड मदर लव्ड जेकब. और माँ जो थी वो याकूब से प्यार करती थी. ये औरत बीमारी है घर में. तीन बच्चे होते. ए पहला पापा का बेटा है. ए दूसरा मम्मी का बेटा है. तीसरा किसका बेटा है? और सवाल पूछते बेटा तो डैनियल कैलर घर पे आया तो पास्टर देखो बेटा तुम बोलो तुम मम्मी का बेटा है या पापा का बेटा है? मैं पापा का बेटा. ये क्या रे मम्मी का बेटा पापा का बेटा? मम्मी का अलग फायदा होता है पापा का अलग फायदा होता है क्या? ये मम्मी का बेटा पापा का बेटा नहीं होता. मम्मी पापा का बेटा या बेटी होते हैं. हालेलुया हालेलुया. जब से अंकित छोटा बच्चा था हम लोग उसको सिखाए. कोई अंकित सब लोग भी ऐसे सवाल करते घर पे आके तू मम्मी का बेटा है पापा का बेटा है? ये लोग भी ऐसे सवाल करते. कोई मेरे घर में आके अंकित सवाल करते थे ना अंकित तू पापा का बेटा मम्मी का बेटा है? अंकित कहता था मैं पापा मम्मी का बेटा हूं. Why am I saying this? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? Because of something like this.
lot of problems happen in the family. क्योंकि ऐसी बातों से बहुत सारी दूसरी बातें परिवार में होती हैं. The whole Isaac's family, Rebecca's family were destroyed because of this one reason. और इसी एक वजह से इज़हाक और रिबेका का पूरा परिवार बर्बाद हो गया. Father loved Esau, mother loved Jacob. क्योंकि पिता ने जो है ऐसाव से प्यार किया, माँ ने याकूब से प्यार किया. And the Bible says. और बाइबल कहती है. In a one day, Jacob, Isaac became old man. और एक दिन ऐसा होता है कि इज़हाक जो है वो बूढ़ा हो जाता है. He became blind. और उसे दिखाई भी नहीं देता. He is going to die. और बस वो मरने ही वाला होता है. He called his elder son Esau. और उसने जो है अपने बड़े बेटे ऐसाव को वो बुलाता है. बेटा, tomorrow you bring food and come, I will bless you. और उसने कहा कि बेटा कल तू मेरे लिए अच्छा खाना बना के ला और मैं खाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा. माँ सुन रही थी. और माँ अंदर से ये बात सुन रही थी. अरे, मेरे हस्बैंड अपने बेटे को आशीष देने वाला है मेरे बेटे के बारे में. अरे पागल औरत, वो भी तेरा बेटा था ना. हाँ, she went and told Jacob. और वो जाती है याकूब के पास. याकूब, और कहती है याकूब, I heard your daddy telling he's going to bless your brother. मैंने सुना है तेरे बाप कह रहे थे कि वो तेरे बड़े भाई को आशीष देने वाला है. So I will prepare food as your daddy likes. तो मैं ऐसा करूंगी कि मैं ऐसा खाना पका के तुझे दूंगी जो तेरे बाप को बहुत अच्छा लगता है. Take it. और तू लेके जाना उसके सामने. And tell your dad that you know you are Esau. और फिर जाके अपने पिता से कहना कि ऐसाव जो है वो तू ही है. Your daddy is blind. और देख तेरे पिता को तो दिखाई नहीं देता. He can't see it. वो देख नहीं पाएगा. You can go and cheat him. और तू जाके उसे फंसा सकता है. कैसी माँ है रे बाबा, अपने बेटे को सिखा रहे कैसे अपने बाप को धोखा देना है. ऐसे माँ इतने होते हैं कि बेटे को बोल चल बेटा तेरा बाप को एक छापड़ दो, एक लाफा दो उसको. सो मेनी विमेन teed their children to go against their father. और कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने बच्चों को अपने ही पिता के विरोध में जाने के लिए सिखाती हैं. However bad your husband is, never teach your children to go against their father. और आपका पति कितना भी बुरा क्यों ना होने दो, कभी भी अपने बच्चों को यह नहीं सिखाना कि वो पिता के विरोध में काम करें. Honor your father and mother and all will go well with you. और बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर करो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा. Hallelujah. 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 चल बेटा, your daddy is blind man, let's cheat him. और उसने कहा कि देख बेटा तेरे पिता को तो दिखाई नहीं देता, वो तो अंधा है, चला उसे धोखा दे देंगे. Jacob said. याकूब ने कहा, मामा, माँ, I will go and tell daddy that I am Esau and get the blessing. और याकूब कहता है कि ठीक है माँ, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे झूठ कहूंगा कि मैं ऐसाव हूं और मैं ऐसाव की आशीषें मैं छीन लूंगा. बट द क्वेश्चन इज माँ, लेकिन माँ सवाल अब ये है, ब्रदर इज अ हेयरी मैन, जो मेरा बड़ा भाई है उसके सारे बदन पे बाल हैं. माय स्किन इज स्मूथ स्किन, और मेरे जो है शरीर पे बाल नहीं है. इफ डैडी टचस, और अगर मेरा पिता मुझे छुएगा, ही कम्स टू नो दैट आई एम नॉट ईसो, तो उसे पता चल जाएगा कि मैं ऐसाव नहीं हूं. मुझे आशीष नहीं मिलने वाला है, श्राप मिलने वाला है. इसका मतलब याकूब ने बोला माँ से, माँ तू बोल रही है पापा को धोखा दो, धोखा दूंगा, लेकिन सवाल है कि अगर पकड़ा गया तो. गलती करता हूं, गलती करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर पकड़ा गया तो. द मोमेंट यू गेट अ थॉट व्हाट इफ आई एम कॉट, और जैसे ही आपको यह विचार आता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो, दैट मीन्स तुम गलत है. इसका मतलब आप गलत हो. आजकल मोबाइल का बीमारी है. जब से मोबाइल आया लोगों को टॉयलेट जाना ज्यादा हो गया है. क्यों? एसएमएस आते ही टॉयलेट, मैसेज आया बाथरूम में गया, हस्बैंड वाइफ साथ में जाते रहते, टिक टिक मैसेज आया हस्बैंड का, एक मिनट टॉयलेट में जाते. और एसएमएस भेजने का तरीका भी मजा है. एसएमएस भेजने का डैडी से बात करते रहते हैं सर, हस्बैंड से बीवी से बात करते हैं सर. हाँ ये आने ये क्या रे, यू 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 करने का. हाँ, इसका मतलब तू जो कर रहा है तू जानता है वो ठीक नहीं है. फोन नीचे रखते, फोन बजा, बीवी फोन उठाने के लिए कही ना, फोन मत उठाओ.
The very fact you are scared, what if you are caught? और जो सच्चाई कि अगर आप पकड़े गए, अगर ये डर आपके अंदर है, that means you are wrong. इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं. Hallelujah, बोले एक बार मेरे साथ. Hallelujah. Hallelujah. जब पास्टर आता है, घर में टीवी देखते, घर में टीवी देखते रहते, पास्टर आते ही टीवी बंद करके हाले हालेलुया. क्यों टीवी अचानक बंद कर दी? क्योंकि जानती है कि जो तू कर रहे गलत है. अगर बाइबल पढ़ रही, बाइबल पढ़ रही, पास्टर आए तो क्या करेगी? और जोर से पढ़ेगी, परमेश्वर ने अपने जगत से ऐसा प्यार किया. इफ यू ट्राई टू हाइड व्हेन समबडी कम्स, that means you're wrong. अगर कोई आता है और आप जो कर रहे हैं उस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आप गलत हैं. If your mommy daddy comes, you change the channel. अगर आपके मम्मी डैडी आते हैं और आप टीवी का चैनल चेंज कर देते हैं, that means what you're watching was wrong. इसका मतलब जो आप देख रहे थे वो गलत था. The moment you get the fear, what if I am caught, you are wrong. जैसे ही आपके अंदर ये डर आता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा, इसका मतलब आप गलत हैं. जेकब सेड, याकूब ने कहा, मम्मा आई विल डू इट, मां मैं ऐसा करूंगा तो, बट व्हाट इफ आई एम कॉट, लेकिन क्या होगा तब जब मैं पकड़ा जाऊंगा. मम्मा सेड, मां ने कहा, नो प्रॉब्लम बेटा, कोई तकलीफ नहीं बेटा, लेट मी गेट द कर्स, और मेरे को श्राप मिल जाए चलेगा. हाँ तू आशीष, मैं मुझे श्राप, मुझे मेरे ऊपर आने दो. आया, पता है क्या हुआ? जो बेटे को इतना प्यार की वो रेबेका, जब वो मर गई वो बेटा उसके पास नहीं था. जिस बेटे को इतना प्यार की ना, जब वो बेटा मर, वो जब वो मर गई, वो बेटा याकूब उसके पास नहीं था, मां के पास नहीं था. श्राप आया. चीटिंग योर फादर, अपने पिता को धोखा देना, एनकरेजिंग योर चिल्ड्रन टू डिसऑनर देयर फादर, या फिर बच्चों को उत्साहित करना कि वो अपने पिता का अनादर करें, दैट विल ब्रिंग अ कर्स, इससे श्राप आता है. हालेलुया, हालेलुया. रिबेका सर, लेट द कर्स कम अपॉन मी, रिबेका ने कहा, बेटा होने दे, ये श्राप मुझ पे आ जाने दे. एंड जेकब वेंट, याकूब गया, स्टोल द फादर्स ब्लेसिंग, और फिर पिता की आशीषों को चुरा लिया, छीन लिया. आई एम गोइंग टू क्लोज द स्टोरी हियर, अब यहां पे कहानी समाप्त करेंगे. He stole the blessing. उसने आशीषों को चुरा लिया, छीन लिया. And the elder brother came back. और तब बड़ा भाई जो है वहां पे आता है. Elder brother and father came to know Jacob cheated. और फिर तब जो बड़ा भाई है और पिता, इनको पता चल जाता है कि याकूब ने धोखा दिया. And elder brother said, let my father die, I'm going to kill Jacob. और उसने कहा कि मेरा पिता मरने दो, मैं तो याकूब को मार डालूंगा. He forgot that he lost the blessing because he sold the birthright from some time back. और वो भूल गया कि उसकी आशीष वो खुद खो बैठा है, क्योंकि पहलौठा यानी बड़ा लड़का होने का जो अधिकार है वो उसने छोटे को दे दिया था, बेच दिया था. हम लोग बहुत बार इतना गुस्से करते दूसरे के ऊपर और ये भूल जाते हैं कि हमने कुछ किया इसलिए हमारे ऊपर ये हुआ. या ईसो ने भूल गया कि वो अपना बर्थराइट बेच दिया था अपने भाई को, वो भूल गया था. अभी भाई के ऊपर गुस्सा किया, जो वो किया गलत उसके बारे में भूल गया, अपने भाई ने जो किया उसके ऊपर गुस्सा किया. And the Bible says, और बाइबल कहती है, Jacob ran away. याकूब जो है भाग गया. He ran away leaving his father, mother. अपने माँ बाप को छोड़कर वो भाग गया. He ran. भाग गया, चला गया कहीं. He came to a place called Bethel. और फिर वो एक ऐसे स्थान पे आया जिसका नाम था बेथेल. He was sleeping. वो सो रहा था. He had a dream. तब उसे एक सपना आता है. He saw a ladder. उसने देखा एक सीढ़ी है. There he met with God. और वहां पर उसकी मुलाकात परमेश्वर से होती है. First time Jacob met with God. पहली बार याकूब परमेश्वर से मिलता है. And God promised Jacob something. That is what he is going to promise to you today. I'm going to close with this promise. और तब परमेश्वर ने याकूब से एक वायदा किया. वही वायदा जो है परमेश्वर आज आपसे बांधेगा. हम आपको ये बताते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे. I'm going to close with this promise of God to you. आपके लिए परमेश्वर के इस वायदे को बताकर हम समाप्त करने वाले हैं. जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 15, उसका 28वां अध्याय और वचन 15. जेनेसिस 28:15, और उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय
15वां वचन God said and behold I am with you and will keep you in all places where you go will bring you again into this land for I will not leave you until I have done that which I have spoken to you और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहीं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा प्रभु ने बोला याकूब आज मैं तेरा हाथ पकड़ा और तुझे मैं वचन दे रहा हूं मैं तेरे साथ रहूंगा जब तक मैं जो जो वचन तुझे दिया वो पूरा नहीं होता तेरा हाथ छोड़ूंगा नहीं हालेलुया एक बार प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़ा तो छोड़ेगा नहीं प्रेज 30 इयर्स अगो 30 साल पहले 21st January. और वो दिन था 21 जनवरी Jesus caught my hand. यीशु मसीह ने मेरे हाथ को पकड़ा. My father, mother left me. मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया. Relatives left me. मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया. But he took my hand. लेकिन यीशु ने मेरे हाथ को पकड़ा. राम बाबू. और कहा राम बाबू. Until I do all that I promised you, I will not leave you. जो जो वायदा मैंने राम बाबू तेरे साथ किया है जब तक उसे पूरा न कर लूं तेरे हाथ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा 30 साल में वहां से यहां तक लेके आया परमेश्वर ने मुझे हालेलुया अगर मुझसे कर सकता यीशु तुमसे भी कर सकता है Yes. He began a good work. उसने अच्छा काम शुरू किया Ultimately. और अंत में Jacob became Israel. और आप देखते हैं याकूब जो है वो उसका नाम इज़राइल हो गया वो इज़राइल बन गया. Cheat became Israel. और जो छीनने वाला धोखा देने वाला था इज़राइल बन गया. परमेश्वर का जीवन बदल दिया. परमेश्वर उसकी जिंदगी बदल दी. When you put your life in the hands of Jesus. देखिए जब आप अपने जिंदगी को यीशु मसीह के हाथों में देंगे. अच्छा काम शुरू होने वाला है. आपके जीवन में अच्छा काम शुरू होता है. और जो शुरू होता है वो समाप्त भी होता है. हालेलुया संपूर्ण भी होता है पूरा भी होता है हालेलुया हालेलुया लेकिन सवाल एक है क्या आपकी जिंदगी यीशु के हाथ में रखेंगे वो एक सवाल है खड़े हो जाओ मेरे साथ ब्रदर माय सिस्टर मेरे भाई मेरी बहनों द क्वेश्चन सवाल ये है हाउ इज योर लाइफ ये आपकी जिंदगी कैसी है आर यू प्लेइंग दिस हाइड एंड सीक गेम यू नो hiding something inside doing something outside kya aap aisa luka chhipi ka khel khel rahe hain kuch baatein chup kar khel rahe hain kuch baatein chup kar kar rahe hain when god met jacob jab parmeshwar yaqub se mila he asked him what's your name to parmeshwar ne usse pucha tera naam kya hai he said my name is deceiver lord usne kaha mera naam jo hai dhoka dene wala hai prabhu He confessed and said, "हाँ मैं गलत जी रहा हूँ मैं धोखा दिया मैं ऐसा हूँ परमेश्वर से कबूल किया जब परमेश्वर से कबूल किया परमेश्वर ने बोला चल तू मान लिया तो आज से तेरा जिंदगी धोखेदार जिंदगी नहीं होगा तो इज़राइल बन जाएगा मेरा यीशु जिंदगी बदलने वाला है हालेलुया When every eye is closed, हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति अपनी आँखें How long you want to live the way you're living? कब तक आप उसी तरह की जिंदगी जिएंगे जैसी जीते चले आए हैं hiding your one hiding your life from your wife hiding your life from husband hiding your life from mom and dad hiding your life apni zindagi apni patni se chupa kar ji rahe hain apni zindagi apne pati se chupa kar ji rahe hain apni zindagi aap apne maa baap se chupa kar ji rahe hain today tell him lord I give my life to you aaj kahe ki prabhu main apni zindagi tere haathon mein saunpta hu start good work in me and bring it to completion father aur aap parmeshwar se kahe ki prabhu ek acha kaam mere jeevan mein shuru kar aur tu use pura bhi kar Today, if you want to really turn your life with all your heart to Jesus, and don't go back to that hypocritical, deceiving life again. अगर आज आप पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देना चाहते हैं और वो ढोंगी पने की जो लुका छिपी का जीवन था अगर आप वो नहीं जीना चाहते हैं then raise your hand up and say yes lord I want a change in my life तो आप अपने हाथ को उठाकर कहें हां प्रभु मैं अपने जीवन में एक बदलाव को चाहता हूं tell him lord touch me today lord और कहें प्रभु आज तू मुझे छू ले प्रभु touch me today lord प्रभु आज तू मुझे छू ले come on raise your hand say with me loudly और आप अपने हाथ को जोर से उठाकर मेरे साथ कहें lord jesus जोर से कहें प्रभु यीशु मैं आपके पास आता हूं मैं आप पर विश्वास करता हूं आप वो परमेश्वर हैं
जो मेरे अंदर अच्छा काम शुरू करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपके लिए खोलता हूं, मेरे सारे पापों को क्षमा करें और आज से मैं दो तरह की जिंदगी नहीं जीऊंगा। धोखा देने का तरीका मैं छोड़ दूंगा, धोखा देने का जीवन मैं छोड़ दूंगा। प्रभु यीशु, मैं आपकी ओर आता हूं, मेरे सारे पापों को क्षमा करें, मेरे जीवन में आ जाएं, मेरे जीवन को बदल दें और आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लुक एट मी फॉर अ मिनट। एक मिनट के लिए आप हमें देखें। जीसस इज द ट्रूथ। यीशु मसीह सत्य है। वी ऑल हैव डन दिस, वन लाइफ आउटसाइड वन लाइफ इनसाइड, वी ऑल हैव डन दिस। हम सभी ने ऐसी जिंदगी जी है, एक जिंदगी बाहर से दिखाते हैं, दूसरी जिंदगी हमारे अंदर रहती है। इवन आवर एक्सेप्टिंग क्राइस्ट आल्सो वी लिव्ड लाइक दैट। और फिर जब मैंने यीशु मसीह को स्वीकार, आफ्टर एक्सेप्टिंग क्राइस्ट आल्सो वी ऑल लिव्ड लाइक दैट। और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद भी हम ऐसी जिंदगी जीते हैं। बट टुडे नो मोर। लेकिन अब आगे को हम नहीं जिएंगे। जीसस इज द ट्रूथ। यीशु मसीह सत्य है। We live the life of truth. हम सत्य की जिंदगी जिएंगे। Raise your hand up, I want to pray for you. और अपने हाथ को उठाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। Raise your hand up, I want to release a blessing upon you. सभी अपने हाथ उठाएं, हम आपके लिए आशीष की प्रार्थना करना चाहते हैं। When the man of God releases a blessing, take it in your life. जब परमेश्वर का जन आशीष देता है तो उसे अपनी जिंदगी में ले लो। Your life will change when you receive a blessing from the man of God. आप जब परमेश्वर के जन से आशीष को पाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम में, I prophesy, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, good work has begun in their life today. आज इनके जिंदगी में अच्छा काम शुरू हो गया। The seed of goodness came. और अच्छे काम का जो बीज है वो आ गया है। And you will bring it to completion. और आप उसे पूरा भी करेंगे। Every work of the devil in their life, I break it in the name of Jesus. इनके जिंदगी में शैतान के हर एक कामों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम में। Spirit of the Lord is upon me, I'm anointed to set the captives free. प्रभु का आत्मा मुझ पर है और बंदियों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। I set you free in the name of Jesus. मैं आपको स्वतंत्र करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। I bless you. मैं आशीषित करता हूँ। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Everybody say loud amen. सभी जोर से आमीन कहें।